नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और दोस्तों आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं टेस्ट कर रहा हूँ ये सोनी के प्रीमियम TWS। अब सोनी के जो हेडफोन्स आते हैं वो वन ऑफ दी बेस्ट हेडफोन्स है मार्केट में जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर्स को प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन TWS की बात करूं तो अभी तक जो सबसे बेस्ट TWS लगते थे मेरे को वो थे एयरपॉड्स प्रो, क्योंकि इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की टेक्नोलॉजी काफी कमाल की है। लेकिन जब मैंने ये सोनी के ट्राई करे तो सच में ये ज्यादा बेहतर है। तो ये है सोनी के WF-1000XM4 और ये अपनी पिछली सीरीज के मुताबिक काफी छोटे हो गए हैं और काफी बेहतर हो गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिजाइन की। तो इसकी डिजाइन आप देख सकते हो इस तरीके के छोटे से केस में आता है, सामने की तरफ आपको एक LED देखने को मिल जाती है और ये कंप्लीटली पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना हुआ है और इसको अगर आप छुओगे तो आपको मैट फिनिश देखने को मिलेगी। दो कलर्स में आता है, एक ब्लैक में एक व्हाइट में। व्हाइट नहीं है, सॉर्ट ऑफ अ ग्रे का टोन है और मेरे पास यही वाला कलर है। आपको ऊपर सोनी का लोगो देखने को मिल जाता है जो कि गोल्ड कलर से एम्बॉस्ड किया हुआ है। उसके बाद आपको यहां पे आपके ईयरबड्स देखने को मिलते हैं और पहली नजर में ही आप देखोगे ये काफी डिफरेंट ईयरबड्स हैं, ये नॉर्मल ईयरबड्स नहीं है। अब पता है क्या, जो अभी 3-4 साल पहले ब्रांड्स काफी पॉपुलर हो गए हैं वो क्या करते हैं, एप्पल को कॉपी कर लेते हैं, उनके ईयरपॉड्स बिल्कुल एप्पल जैसे लगते हैं, चाहे वो एयरपॉड्स ले लो या एयरपॉड्स प्रो ले लो। लेकिन बड़ा ब्रांड ऐसा कर नहीं सकता भाई, इज्जत वाली बात होती है। तो अगर सेम दिखेंगे एप्पल के और सोनी के भी तो ऐसा बोलेंगे लोग कि सोनी ने कॉपी कर लिया, कुछ बचा नहीं है इनके पास अब। तो इस वजह से सोनी ने एकदम कंप्लीटली डिफरेंट डिजाइन दिया है और काफी प्रैक्टिकल भी है। मतलब आप इनको अगर पहन लोगे और वर्कआउट वगैरह करोगे या रनिंग वगैरह करोगे तो गिरते नहीं है बिल्कुल भी, देख सकते हो बिल्कुल नहीं गिरते, बहुत सही और कंफर्टेबल है। इसकी सबसे अच्छी बात है इसके ईयर टिप्स। अब एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ईयरबड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ईयरबड्स, कुछ में मेश वाले होते हैं जैसे एयरपॉड्स प्रो में, लेकिन इसके जो ईयर टिप्स हैं वो फोम के हैं। अब फोम की होने की वजह से ये सबके ईयर्स को काफी हद तक अच्छे से हक करके रखते हैं, एयर वगैरह लीक नहीं होने देते, तो आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का भी जो इम्पैक्ट है वो काफी तगड़ा आता है। साथ ही साथ ये अपनी जो शेप है वो रिटेन करते हैं, मतलब अगर आप इसकी फोम निकाल दोगे तो ये रिटेन करेगी आपके ईयर से बाहर आने के बाद अपनी शेप को। तो फोम ज्यादा कंफर्टेबल होती है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। अच्छा, अब इसकी साउंड क्वालिटी की बात करते हैं। आप ईयरफोन्स खरीद रहे हो और साउंड क्वालिटी अच्छी ना हो तो मजा नहीं आता। ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं इस ईयरफोन्स के जो मैं बताते बताते थक जाऊंगा और ये वीडियो 40 मिनट से भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, साउंड अच्छा है इसका। साउंड बहुत दमदार है। मैं हम दिल्ली में रहते हैं, आजकल भाई यहाँ पंजाबी गाने बहुत चलते हैं, तो अगर आप पंजाबी गाने सुनोगे ये लगा के तो किसी किसी जगह पे तो ऐसा लगेगा कि आपके कान में DJ बज रहा है। मतलब बेस सच में बहुत तगड़ा है। अब प्रीमियम ईयरबड्स हैं, सस्ते तो है नहीं, तो उस हिसाब से क्वालिटी भी आपको देखने को मिलती है, एकदम A1 क्वालिटी, एकदम प्रीमियम है। बेस बहुत ही तगड़ा है, ट्रेबल बहुत ही सॉर्टेड है, सारी चीजें बहुत कमाल की आपको इस ईयरबड्स में देखने को मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे इन ईयरबड्स में ये अजीब से दिखने वाला क्या है, ये भाई ये माइक्रोफोन है दोनों ईयरबड्स में। और इस ईयरबड्स की खास बात पता ही है क्या है, मान लीजिए आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो और आप एक बहुत भरी भीड़ वाली जगह पे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाली जगह पे, तो ये ईयरबड्स क्या करते हैं, आपकी ऑडियो को एनहेंस करके उस बंदे के पास पहुंचाते हैं। तो माइक्रोफोन काफी बढ़िया है। और एक चीज और, क्योंकि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाले हैं तो इसमें आपको 3 मोड देखने को मिल जाते हैं, एक एम्बिएंट मोड जो कि सेम ट्रांसपेरेंसी मोड है एप्पल एयरपॉड्स प्रो की तरह, दूसरा आपको देखने को मिलता है कंप्लीटली ANC वाला मोड और तीसरा ऑफ कर सकते हो ANC को, तो नॉर्मल ईयरबड्स की तरह काम करेंगे सिलिकॉन वाले की तरह। तो यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी मोड है भाई साहब इतना तगड़ा है, ऐसा लगता है आसपास के जितने भी आवाजें हो रही हैं सब आपकी कान में सुनाई दे रही हैं। काफी सही है इसका ट्रांसपेरेंसी मोड, मुझे एप्पल एयरपॉड्स से ज्यादा बेहतर लगा इसका ट्रांसपेरेंसी मोड। और मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एप्पल एयरपॉड्स पिछले 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ, तो मुझे ये ईयरफोन सच में बहुत दमदार लगे। अच्छा, इस ईयरबड्स में ना छोटे छोटे फीचर्स बहुत ही कमाल के हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ये लगाकर सुन रहे हैं गाने या कुछ काम वाम कर रहे हैं, सडनली आपका कोई फ्रेंड आता है या आप जिम में है, कोई आपसे बात करता है, तो आपको फिर उससे बात बात करनी पड़ती है पॉज करके। लेकिन इसमें ऐसा सीन नहीं है, मान लीजिए कोई बंदा आपसे बात करता है और आप जैसे ही बोलना शुरू करते हैं ये ईयरबड्स जो है वो डिटेक्ट कर लेंगे और अपने आप म्यूजिक को कम कर देंगे, पॉज कर देंगे, तो बहुत सही चीज है भाई। मतलब आपकी आवाज को डिटेक्ट कर लेंगे और ऑटोमेटिकली गाने को पॉज कर देंगे, कितने तगड़े फीचर्स हैं भाई। सोनी की ऐप डाउनलोड कर लो और उसमें आप सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो इन ईयरबड्स से रिलेटेड। अब सोनी 1000 XM4 कंफर्ट के मामले में टॉप नॉच है, साउंड क्वालिटी के मामले में टॉप नॉच है।
अब बात करते हैं बैटरी लाइफ की। तो भाई 24 घंटे का प्लेबैक आपको इजीली मिल जाता है अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाले मोड पर सुनते हैं, और अगर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन हमेशा ऑन करके नहीं रखते तो आपको 36 घंटों तक का प्लेबैक टाइम मिल जाता है। मेरे केस में आराम से 3-4 दिन चल जाता है बिना चार्ज करे, तो चार्जिंग काफी सही है, काफी फास्ट हो जाती है चार्जिंग भी। सोनी 1000XM4 में जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी वो है इसका कोडेक। इसमें एलडेक कोडेक का यूज किया हुआ है, इसमें एलडेक कोडेक की फंक्शनैलिटी है। अब ये क्या होता है, जैसे ही ऑडियो के अलग अलग कोडेक्स होते हैं, जब आपका फोन आपके ईयरबड्स पे सिग्नल भेजता है तो एक कोडेक का यूज करता है, AAC होता है, और भी अलग अलग तरीके के कोडेक होते हैं, बट इसमें एलडेक कोडेक यूज किया गया है जो कि काफी सुपीरियर है बाकी कोडेक से। और एक तरीके से मान लीजिए कि जो आपकी क्वालिटी है ना वो बिल्कुल लॉसलेस देखने को मिलती है, आपको साउंड बिल्कुल भी लॉस नहीं होता है, आपकी साउंड क्वालिटी एकदम टॉप नॉच रहती है, एकदम लॉसलेस क्वालिटी रहती है, एकदम हाई रेजोल्यूशन वाली। तो भाई अगर जो लोग काफी टाइम से एप्पल एयरपॉड्स प्रो यूज कर रहे थे मेरी तरह और अब स्विच करने की सोच रहे हैं किसी नए ANC वाले ईयरबड्स पर, तो मैं तो यही बोलूंगा कि इस टाइम पे जो सोनी के 1000XM4 है वो एकदम परफेक्ट परफेक्ट चॉइस रहने वाली है आप लोगों के लिए। लाइफस्टाइल वाइज के हिसाब से भी दिखते काफी प्रीमियम है, कंफर्टेबल काफी है, वर्कआउट करो कुछ भी करो गिरते नहीं है, काफी तगड़े हैं। साथ ही साथ इनका प्राइस प्राइस इनका है इस टाइम पे 19,990 रुपये, मतलब 20,000 रुपये के हैं, लेकिन 20,000 के हिसाब से काफी हद तक टक्कर दे देते हैं एप्पल एयरपॉड्स प्रो को। टक्कर नहीं देते, मैं तो कहता हूँ आगे ही निकल जाते हैं एप्पल एयरपॉड्स को। अब कोप अप करना पड़ेगा इसके नए वर्जन से या किसी और से, बट अभी के लिए सोनी 1000XM4 विन भाई विन, ये जीत जाते हैं भाई, निकल जाते हैं आगे। अब आप बोलोगे प्रिंस यार क्या भाई तू 20,000 रुपये के ईयरबड्स दिखा रहा है, इतने महंगे तो हम नहीं खरीद सकते। पता है मेरे को, पता है, चिल चिल। तो जो लोग खरीद सकते हो, जिनको एकदम प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए अपने साउंड क्वालिटी में, खरीद लो सोनी 1000XM4 बिना किसी डाउट के। दूसरे जो मेरे भाई लोग हैं जिनका बजट थोड़ा सा कम है, मेरा भी थोड़ा कम ही रहता है आजकल, तो ये है सोनी के WF-C500। अब ये भी बहुत तगड़े हैं और इनका प्राइस बहुत कम है कंपेयर टू सोनी 1000XM4, और इसमें भी आपको काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन तो नहीं है लेकिन सिलिकॉन ईयर टिप्स के साथ आते हैं, तो आपको काफी अच्छी ऑडियो क्वालिटी देखने को मिलती है, आपकी एयर वगैरह लीक नहीं होती है कान से, और काफी अच्छे से हक करके रखते हैं आपको ईयर्स को। एक चीज और अच्छी है, अब इसमें बटन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इसको आप बटन को प्रेस करोगे तो आप इजीली कंट्रोल्स ट्रिगर कर सकते हो, गाना पॉज कर सकते हो, कॉल्स उठा सकते हो, तो सारी चीजें बटन दबाकर कर सकते हो। सोनी 1000XM4 में आप बटन्स तो प्रेस नहीं कर सकते लेकिन इसमें आपको जेस्चर्स देखने को मिल जाते हैं। अब ये जितना भी एरिया, ये टच सेंसिटिव एरिया है, इस पर टच करोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब क्योंकि इसमें टच वाली फंक्शनैलिटी और इसमें प्रेसेबल टेक्नोलॉजी है बटन वाली, तो बटन वाली तो 100 out of 100 times काम करती है, लेकिन टच वाली 98-99 times काम करती है। एक दो बार ऐसा होगा कि आप मिस आउट कर जाओगे। अब इसमें फोम ईयर टिप्स तो नहीं है, सिलिकॉन ईयर टिप्स है, लेकिन आप बाहर से खरीद कर एक्स्ट्रा फोम ईयर टिप्स लगा सकते हो, तो वो ऑप्शन तो हमेशा रहता ही है, लेकिन सिलिकॉन वाले भी ठीक है। अब इसकी बैटरी की बात करूं तो इसकी बैटरी 10-12 घंटे आराम से निकाल देता है बिना किसी दिक्कत के। तो अगर आप बजट में कोई ईयरफोन सर्च कर रहे हो और मार्केट में देख रहे हो एकदम प्रीमियम बजट वाले, बजट में भी लेकिन प्रीमियम, बजट में ऐसा नहीं है कि कोई भी 2-3 हज़ार का घटिया से, बजट में भी प्रीमियम, तो ये जो है सोनी के WF-C500, C500 वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन से अपने बजट में, तो ये बेस्ट TWS बन जाते हैं। और अगर प्रीमियम क्वालिटी की बात करूं तो भाई इनका कोई मुकाबला नहीं है, इन्होंने तो एप्पल एयरपॉड्स को भी बीट कर दिया है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। मेरा नाम है प्रिंस, मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। और मैं चला भाई कैंदी हुंदी सी।